गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? नाउ लेट्स बिगिन टू अ न्यू टॉपिक. वी आर टेकिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज द बडिंग एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे बडिंग में क्या होता है. बडिंग का एग्जांपल अगर हमने लिया है तो उसका है हाइड्रा. जैसा हमने रीजनरेशन में पढ़ा था कि स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट एंड दो स्टेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेट द ऑर्गन्स, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रा में भी एक प्रकार के रीजनरेटिव सेल्स एक स्पेसिफिक साइट्स में निर्माण होते हैं. उस वहाँ पे दे जस्ट बिगिन टू स्टार्ट एंड मेकिंग अ ग्रुप ऑफ सेल एंड सेल डिवीजन है जिसे हम कहेंगे, वो सेल डिवीजन वहाँ पे बनता है और उसके आगे उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और द न्यू इंडिविजुअल कैन बी फॉर्म एंड द इंडिविजुअल विच इज डिटैच फ्रॉम द मदर और द पेरेंट बॉडी ऑफ द हाइड्रा एंड स्टार्ट द देयर लाइफ. तो ये हो गया हमारा बडिंग का, ये हम देखेंगे लाइफ बोट के माध्यम से. और दूसरा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीन टाइप से होते हैं जनरली, अगर हम देखते हैं तो तीन टाइप से होते हैं, बाय द रूट, बाय द स्टेम्स एंड बाय द लीव्स. तो जो भी चीज़ आते हैं, जो भी रिप्रोडक्शन होता है बाय द रूट, तो वो आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जो भी स्टेम से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो हम बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रकार से स्टेम को अगर काटने से किसी झाड़ को लग जाता है तो हम उसको भी बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दूसरी बात होती है लीफ के द्वारा, यानी कि लीफ में ही कुछ नए नए आउटग्रोथ्स आ जाते हैं, तो वो आउटग्रोथ्स भी लीफ और रूट पैदा करते हैं जो कि लीफ के मार्जिन के इसमें पैदा रहते हैं और फिर वही चीज़ वही आपके आउटग्रोथ नीचे गिर जाते हैं सॉइल के अंदर में और न्यू इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं. तो ये था हमारा आज का. तो हम ये दोनों भी टॉपिक लाइफ बोट के माध्यम से बडिंग एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे. ओके कमांड स्टूडेंट, वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज द बडिंग. ठीक है, व्हाट इज द बडिंग? नाउ ऑर्गेनिज्म सच एज द हाइड्रा यूज द रीजनरेटिव सेल्स. इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं व्हाट इज द रीजनरेटिव सेल्स. हमने रीजनरेशन पढ़ा था, उसमें रीजनरेटिव सेल्स थे और द स्टेम सेल्स थे, है ना, फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग. तो यहाँ पर भी बडिंग के प्रोसेस में भी ये रीजनरेटिव सेल्स काम में आते. सो व्हाट हैपन इन हाइड्रा, अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन. यानी एक जगह पे रिपीटेड सेल डिवीजन होता रहता है एट वन स्पेसिफिक साइट. कौन से स्पेसिफिक साइट में? ये वाले स्पेसिफिक साइट्स में, दिख रहे हैं, द बर्ड इज कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड द वन स्पेसिफिक साइट. एंड दीज बर्ड्स डेवलप इनटू द टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर्ड. जैसे जैसे वो मैच्योर्ड होते रहते हैं तब वो बड़े होते रहते हैं एंड इट बिकम दिस पर्टिकुलर मैच्योर हाइड्रा. व्हेन फुल्ली मैच्योर्ड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, फिर यहाँ से वो डिटैच हो जाते हैं और फिर एक सबस्ट्रैटम में जाके बैठ जाते हैं. एनी सबस्ट्रैटम मे बी द रॉक और द सैंड एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स. अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक साइट में रीजनरेटिव सेल्स रिप्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं. सेल डिविजन ज़्यादा अमाउंट में होता है और तब जाके फिर ये ऐसे ग्रो होना चालू हो जाता है और फिर ये मैच्योर बन जाता है, फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है. Understand this? Let's move to the next. Now, what is the vegetative propagation? Okay, what is the vegetative propagation? In a vegetative propagation, you can grow the any plant which parts like the root. Ya to aap usko root se bhi grow kar sakte ho, stem se bhi grow kar sakte ho, or the leaf se bhi grow sakte ho. Okay? And develop into the new plants under the appropriate condition. मतलब अब उसको एक यहाँ पे है appropriate condition होना बहुत जरूरी है. And unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. जैसे animal को लिए favorable condition होना था, तो इन plant को भी such a mode of reproduction एक favorable appropriated condition में होता है. And this property of vegetative propagation is used in method such as layering, grafting. अभी हम आगे देखेंगे क्या बोलते हैं layering and grafting को,
टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन. शुगर केन होता है उसको भी इस प्रकार से ग्राफ्टिंग से बढ़ाया जाता है. रोजेस को भी ग्राफ्टिंग से लगाया जाता है. ग्रेप्स होते हैं एंड फॉर फ्लावर्स एंड फ्रूट, यानी कि ये तो फ्लावर्स एंड फ्रूट देते हैं बाद में, अर्लियर देन दोज द प्रोडक्ट फ्रॉम द सीड, यानी जो ये प्लांट सीड से भी पैदा हुए लेकिन बाद में किससे होते हैं, झाड़ के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से यानी कि ग्राफ्टिंग से भी लग सकते हैं. सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट एंड सच एज द बनाना. ठीक है, बनाना का भी हम देखेंगे बाद में कैसा होता है. ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑल्सो हैव द सीड्स बट इट कैन बी ग्रो बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. रोज का आपने अगर देखा होगा तो रोज भी उसकी अगर एक ब्रांच तोड़ के अगर हम लगा लेंगे तो भी वो न्यू प्लांट फिर से ग्रो हो जाएगा. जैस्मिन में भी होता है एंड दैट हैव द लॉ ऑफ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स. कुछ तो सीड ही नहीं पैदा करते, सीड ही नहीं होता उनका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है. एंड अनादर एडवांटेज ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर. इसमें एक ये फायदा होता है कि जैसे आपने जो ब्रांच से झाड़ तोड़ के लगाया तो वो ही जेनेटिकली सिमिलर है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता. समझ गए आपको, सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल दिस कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट वाले प्लांट में थे वो ही उसके न्यू इंडिविजुअल्स में हो गए. समझ में आ गया. चलो अब एक हम एक्टिविटी करते हैं 8.5. इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. क्या करना है आपको, टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन. अच्छा आपने देखे नॉचेस कैसे होते हैं, देखो ये जो नॉचेस दिख रहे हैं ये आई दिख रहा है पोटैटो का, ठीक है, और ये बोल रहा है स्कार ऑफ द स्टेम्स, तो ये सब आपको पहले देखने का है पोटैटो में. कैन नॉचेस बी सीन, कट द पोटैटो इन टू द स्मॉल पीसेस, यानी कि क्या करना है आपको यहाँ पे, यहाँ आपको जैसे ये यहाँ से एक पीस हो गया, ये यहाँ से एक पीस हो गया, फिर यहाँ से एक पीस हो गया, फिर यहाँ से एक पीस, इस प्रकार से आपको इसको काटने का है. ठीक है, देन वॉट यू हैव टू डू, स्मॉल सच एज द पीस कंटेन द पीसेस कंटेन द नॉच और द बट, यानी हर एक पीस में क्या होना चाहिए, वो नॉच आना चाहिए. एंड सम डू नॉट, सब में नहीं भी आएंगे तो उसको भी ले लेने का है. स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे, यानी एक ट्रे में क्या लेना है आपको, कॉटन लेने का है. ट्रे में इस प्रकार से अगर आपने कॉटन ले लिया और इसमें रख दिया कॉटन, वॉट यू हैव टू डू देन, प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन द कॉटन एंड नोट वेयर द पीसेस विद द बर्ड्स आर प्लेस्ड. ठीक है, वहां पे रख दिया एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग, क्या करना है क्या वहां पे, टेकिंग प्लेस दैट दीज पोटैटो पीसेज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़े दिन के लिए रखना. मेक श्योर दैट, अब उसमें ये ख्याल देना है आपको, श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्ट, हर समय आपका कॉटन मॉइस्ट होना चाहिए यानी कि गीला होना चाहिए. विच आर द पोटैटो पीसेज, क्या हो जाएगा उसमें ग्लो होना चालू हो जाएगा, जो नॉचेस से उसके आई से स्कार से एंड द फ्रेश ग्रीन ऑल्सो शूट एंड रूट, वहां से डेवलप होना चालू हो जाएगी. ठीक है, यह सपोज ये वाला एक पीस ले लिया था आपने, ठीक है, हम लोग मान लेते ये एक पीस ले लिया था, फिर ये वाला पीस ले लिया, फिर ये वाला पीस ले लिया, इस प्रकार से अगर उसने कॉटन में डालेंगे तो वहाँ से इस प्रकार से आपका शूट्स और रूट्स दोनों भी निकलना चालू हो जाता है. ये भी पोटैटो का भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी, तो आप देखते होंगे आपके घर के अंदर में आलू रखे रहते हैं तो उसके अंदर ये नॉचेस ऐसे आईज में से नॉचेस निकलना चालू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अगर बहुत दिन तक वैसे ही पड़ा रहा तो उसमें से शूट्स ग्रीन शूट्स निकलना चालू हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार से पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है. चलो सिमिलरली द बड प्रोड्यूस इन नॉचेस अलॉन्ग द लीफ. अब ऐसा ही अगर लीफ में अगर नॉचेस के लीफ नॉचेस में अगर लीफ आउटग्रोथ आना चालू हो जाता है, एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे ब्रायोफाइलम लीफ. नाउ व्हाट इज दिस ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम लीफ के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इसके अंदर में क्या भरा रहता है आपका देखेंगे, ये थोड़ी थिक लीफ रहती है, बहुत मोटी रहती है लीफ एंड द लीफ इज फिल्ड विद द वाटर एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ वाटर सक्यूलेंट लीफ. ओके, और इसके मार्जिन के अंदर में हम देखते हैं कि छोटे छोटे आउटग्रोथ लीफ के आउटग्रोथ आना शुरू हो जाते हैं एंड दे डेवलप शूट एंड द रूट बोथ, यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि लीफ भी आते हैं और उसके अंदर में रूट्स भी डेवलप होना चालू हो जाते हैं एक ही जगह मार्जिन पे. हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये पूरा मार्जिन पे
ये देखो, ये एक लीफ का गुच्छा चालू हो गया, तो यहाँ पे देन आफ्टर दैट इट ग्रोज अ वेरी बिग एंड इट डिटैच द बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पैरेंट लीफ एंड फॉल ओवर द सॉइल, ओके, फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इन टू द न्यू प्लांट. इसी से ये ब्रायोफाइलम का भी रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, अभी लीव से हो रहा है. अंडरस्टैंड? देखो अब एक और पिक्चर है हमारे पास ऑनियन का. ऑनियन के अंदर में क्या हो रहा है, देखो ये सॉइल के अंदर में है, ये ग्रीन शूट्स लीव्स आर डेवलपिंग एंड दिस बल्ब के अंदर में फ्लेशी लीव्स आर देयर एंड दिस इज कॉल्ड द मेन बड, दिस इज द साइड बड एंड दिस इज ऑल्सो द रिड्यूस स्टेम. ये यहाँ का जो रूट और बल्ब का जो बीच का भाग है दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस स्टेम एंड देन द रूट्स एंड द ऑनियन प्लांट कैन बी डेवलप. चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा एक प्लांट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम रनर कैसे होते हैं, जो जमीन के अंदर रनर बढ़ते हैं. सो दीज आर द रनर, देखो ये पैरेंट प्लांट है एंड दिस इज द इंडिविजुअल न्यू हाउ दे आर डेवलपिंग थ्रू द मेन दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस स्टेम. से यहाँ से देखो ये यहाँ से फिर से एक डेवलप हुआ और फिर दूसरा एक प्लांट ऐसा ऐसा करते पूरे जगह में वो फैल जाते हैं. अंडरस्टैंड? कम ऑन, कम टू द न्यू प्लांट. दिस एक्टिविटी अगेन वी हैव वन अनदर एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी नंबर 8.6, सिलेक्ट अ मनी प्लांट. आप लोगों को मनी प्लांट दिखाऊंगा, सिलेक्ट वन एनी प्लांट, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीप, ठीक है, एटलीस्ट वन लीप एंड कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन द टू लीव्स, बिटवीन द टू, एक प्लांट को बिटवीन द टू से कट करेंगे और वो रख देंगे. डिप वन एंड ऑफ द ऑल द पीसेज इन प्लांट एंड ऑब्जर्व व्हाट द नेक्स्ट फ्यू डेज. अब जो आपने जो तोड़ा था उसकी जो ब्रांचेस या लीफ उसको क्या करना है, आपको पानी में रख देने का है, एक कोई भी वेसल्स के अंदर में, एंड ऑब्जर्व द नेक्स्ट फ्यू डेज विच वन ग्रोज एंड विच राइज टू द फ्रेश फ्रेश लीव, यानी जिसमें स्टेम होगा, है ना, स्टेम और लीफ दोनों होगा, और इसमें सिर्फ लीफ होगा तो वो ग्रो होगा क्या, नहीं होगा. तो दैट मीन्स what can you conclude from your observation, that means the money plant also grows from the vegetative reproduction but only when they should have the stem part also, not only the leaf, the between se agar beech mein se leaf ko cut karke dal denge to ho jayega, grow jayega, no it will not grow. Chalo, all the modes of reproduction that we have discussed so far allow न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी सिंगल इंडिविजुअल से हमने मैनी इंडिविजुअल्स कैसे बनते हैं ये आज हमने सीखा. एंड दिस इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये सारा की सारा कहाँ पे आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. चलो अभी हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं. सी दिस प्लांट, कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर हम झाड़ को इस प्रकार से कट करके ग्रो करते हैं तो एक प्लांट से हम दो प्लांट बना सकते हैं. इसको भी अगर सॉइल में रख देंगे और ये पहले से सॉइल में है तो ये तो बढ़ जाएगा फिर से और ये भी एक न्यू इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाएगा. ये प्लांट है बनाना का, पैरेंट ट्री ऑफ द बनाना, ठीक है. और यहाँ से देखो सकल ये सॉइल सरफेस में से एक छोटा सा बड निकल रहा है. अगर आपने इसको यहाँ से डिटैच कर देते और फिर दूसरा प्लांट आप फिर से ग्रो कर सकते हो, तो बनाना का भी इस प्रकार से ग्रो होता है प्लांट. या जो दिस इज शुगर केन, शुगर केन में एक ये नोड होता है और ये पूरा क्या कहलाता है, इंटरनोड, और जस्ट अबाउट द नोड अ बर्ड इज डेवलपिंग ओवर एंड दिस ब्लड इज रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्शन. अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको बर्ड को बड़ा कर देंगे और फिर लीफ तक उसको बड़ा करेंगे और उसको डिटैच कर देंगे और फिर से एक नया शुगर केन का प्लांट आप ग्रो कर सकते हो. उसी प्रकार बी का कौन सा प्लांट, ब्लड गोइंग इनटू द नो प्लांट. तो देखो किस प्रकार से ऐसा ये जो है इस प्रकार से उसका पूरा लीव ग्रो होगा, फिर यहाँ से आप डिटैच करेंगे और रूट्स भी हो जाएगा. तो रूट्स और ये पूरे प्लांट को आप उसको शुगर केन के स्टेम से निकाल सकते हैं और न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. एक पिक्चर और है हमारे पास रोज का. देखिए रोज का कैसे करना, ग्राफ्टिंग कैसे करते, कटिंग कैसे करते. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉचेस या आईज या न्यू शूट आर कमिंग और वहीं से उसके बाजू से आपने उसको कट कर दिया, ठीक है. तो ये कट करके आपने ये एक पॉट में लगा दिया. यू हैव टू ग्रो इन वन पॉट आफ्टर 45 डेज. डे वन प्लांट है, अब आफ्टर 45 डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट वेयर द बर्ड इज ग्रोन एंड द न्यू लीफलेट्स आर कमिंग एंड द
द ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ द रोज इज ऑल्सो कमिंग ओवर दैट। तो इस प्रकार से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.